बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम सीखेंगे कि किसी भी आयत के इख्तिताम पर वक्फ कैसे करेंगे, यानी किसी भी आयत को जब आप स्टॉप करेंगे तो वो स्टॉप का तरीका क्या है, वक्फ का तरीका क्या है। वक्फ चाहे आयत के दरमियान में हो या आयत के इख्तिताम पर हो तो वक्फ कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। यहाँ वक्फ है और वक्फ जो है 9 हरकात पर होगा या इसी तरह 4 अलामत में से किसी एक अलामत पर हमें वक्फ करना पड़ेगा। अगर हरकात में से किसी एक हरकत पर वक्फ करना की जरूरत पेश आ जाए तो यहां देखिए ये 9 हरकात हैं। जिस हर्फ पर आप वक्फ कर रहे हैं, जिस कलिमा पर आप वक्फ कर रहे हैं, उस कलिमा के आखिरी हर्फ को देखेंगे कि उस पर कौन सी हरकत है, कौन सी हरकत होगी, वक्फ की सूरत में उसमें क्या तब्दीली वाकई होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जबर। जबर जो है इस पर जब भी आप वक्फ करेंगे तो यह जबर जज्म में तब्दील हो जाएगा। जैसे इसकी मिसाल देखिए, अल आलमीन, यहां नून पर अल आलमीन पर आप वक्फ करना चाह रहे हैं और आखिरी हर्फ जो है वो नून है और यहां जबर की सूरत में चूंकि नून पर जबर है तो ये जबर जो है ये जज्म में तब्दील हो जाएगा और वक्फ होगा अल आलमीन अल आलमीन। जेर पर अगर वक्फ करना पड़े तो ये भी जज्म में तब्दील हो जाएगा। जैसे इसकी मिसाल देखिए, अर रहीमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी, यहां मीम पर आकर आप वक्फ कर रहे हैं तो मीम की हालत देखेंगे कि मीम की कैफियत या हालत क्या है। मीम के नीचे जेर है तो वक्फ की सूरत में ये जेर जज्म में तब्दील हो जाएगी, यानी मीम साकिन हो जाएगा। अर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आगे देखिए, पेश नंबर 3 पे है। पेश पर जब वक्फ करेंगे तो यह भी जज्म में तब्दील हो जाएगा। जैसे इसकी मिसाल देखिए, नस्तईनु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहां नस्तईनु नून के ऊपर पेश है और जब पेश पर वक्फ करेंगे तो यह पेश भी जज्म में तब्दील हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, नस्तईनु तो यहां नून पर जज्म लग जाएगी, नस्तईन नस्तईन। नंबर 4 पे है दो जबर। दो जबर की के अंदर एक समझने वाली बात यह है कि जब भी आप वक्फ करेंगे दो जबर पर, खासतौर पर जब आप वक्फ करेंगे तो वहां एक जबर गिरा देंगे और आखिर में अलिफ मद्दा जो है उसका इजाफा करके पढ़ेंगे, एक जबर गिरा देंगे, एक जबर गिरा देंगे। जब यहां तवा बन है, दो जबर पर आपको वक्फ करना पड़ गया है तो यहां दो जबर का एक जबर आप गिरा देंगे, ये सिंपल एक जबर रह गया है तो ये बनेगा तवाबा तवाबा। और अगर पहले से किसी हर्फ पर एक जबर हो और आगे अलिफ मद्दा हो तो उसकी हालत भी सेम रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे हादा, अब यहां लाल पर जबर है और उससे आगे अलिफ मद्दा है तो इसको यूं ही सेम हालत में पढ़ेंगे, हादा हादा। जी आगे, दो जेर पर वक्फ किस सूरत में होगा, दो जेर पर वक्फ करने की सूरत में यह भी जज्म में तब्दील हो जाएगा। जैसे इसकी मिसाल देखिए, कुरैशिन लीलाफ कुरैशिन, अब यहां शिन यानी दो जेर है शीन के नीचे तो जब शीन पर वक्फ करेंगे तो इसको भी हम जज्म में तब्दील कर देंगे, कुरैशिन ये तब्दील होकर हो जाएगा कुरैश कुरैश। जी आगे चलते हैं, दो पेश। दो पेश पर जब भी आप वक्फ करेंगे तो ये भी जज्म में तब्दील हो जाएगा। इसके अंदर तब्दीली क्या होगी कि ये भी जज्म में तब्दील हो जाएंगी। जैसे अहदुन कुल हुवल्लाहु अहदुन, यहां अहदुन दाल पर जब आप वक्फ कर रहे हैं, आप स्टॉप कर रहे हैं तो ये दाल जो है इस पर दो पेश हैं तो ये दो पेश भी जज्म में तब्दील हो जाएंगी।
अहदुन से अहद अहद, और दाल जो है ये हरूफ कलकला में से है, लिहाजा यहां पर कलकला भी करेंगे वक्फ करते हुए अहद अहद जी। इससे आगे खड़ा जबर, खड़ा जबर में हमने लिखा कि वक्फ की सूरत में खड़ा जबर में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे यहां देखिए अब को, अब को, अगर आप अब को पर वक्फ करते हैं और यहां काफ के ऊपर खड़ा जबर है तो यहां वक्फ की सूरत में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसको यूं ही पढ़ेंगे अब को, अब को। खड़ी जेर यहां पर थोड़ा सा खड़ी जेर की सूरत में यहां देखिए, यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है कि खड़ी जेर और उल्टा पेश, खड़ी जेर और उल्टा पेश, इसके बारे में कायदा और कुलिया यह है कि खड़ी जेर और उल्टा पेश या तो ये हा के ऊपर ये नीचे आएंगी या किसी और हरफ पर आएंगी। अगर खड़ी जेर और उल्टा पेश हा के नीचे है या उल्टा पेश हा के ऊपर है तो वक्फ की सूरत में ये हा जो है ये साकिन हो जाएगा, और अगर हा के अलावा किसी हर्फ पर के नीचे खड़ी जेर हो या ऊपर उल्टा पेश हो तो फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे यहां देखिए खड़ी जेर अगर हा के नीचे है, यहां के नीचे खड़ी जेर है हो तो साकिन हो जाएगा, यानी इस हा को साकिन करके पढ़ेंगे। हा के अलावा कोई और हर्फ हो तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे यहां मिसाल देखिए बिही बिही, यहां हा पर आपने वक्फ करना है और बिही के नीचे खड़ी जेर है। अब खड़ी जेर पर जब हम वक्फ करेंगे तो उसको भी हम साकिन कर देंगे अगर खड़ी जेर हा पर है। जैसे बिही से बी, बिही से बी, और अगर हा के अलावा किसी और हर्फ पर ये खड़ी जेर हो तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे युही, अब यहां आप या पर वक्फ कर रहे हैं और या के नीचे खड़ी जेर है तो इसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली वाके नहीं होगी। इसी तरह नौ नंबर पे है उल्टा पेश, उल्टा पेश भी अगर हा के ऊपर है तो फिर ये वक्फ की सूरत में ये हा साकिन हो जाएगा, और अगर हा के अलावा किसी दूसरे हर्फ पर उल्टा पेश है तो वक्फ की सूरत में उसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको हरकात पर वक्फ करने की जो सूरतें हैं या जो कैफियत होगी वक्फ करने की वो आपको समझ आ चुकी होगी। अगले सबक तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह निगेवान।